In the previous video, we have learned about the different definitions about circles, circle, radius of circle, what are the chords of a circle and diameters. Now we will see what is the circumference of a circle. So here different circles are shown. So what do you mean by circumference? Circumference is like the perimeter of the circle. जैसे कोई भी ट्रायंगल या रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, मींस द सम ऑफ इट्स साइड्स, आउटर एजेस की साइड्स का जो सम होता है, दैट इज कॉल्ड एज पेरीमीटर. सो सर्कमफेरेंस इज लाइक अ पेरीमीटर. दिस आउटर पार्ट, दिस लाइन, दैट इज द आउटर पार्ट ऑफ दिस लाइन, द मेजरमेंट और द लेंथ ऑफ दिस लाइन इज कॉल्ड एज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. ओके, If we cut this circle at one point and straighten it, then it will become a straight line, and the length of that straight line is called as circumference of a circle. Okay, let's see. Here are the some examples. Place a cylindrical bottle on a paper and trace outline of its base. Use a thread to measure the circumference of a circle. Different activities are given here. पहले तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, द मेजरमेंट ऑफ द आउटर एज ऑफ अ सर्कल, मेजरमेंट ऑफ द आउटर एज ऑफ अ सर्कल. एंड इफ वी कट द सर्कल एट वन पॉइंट एंड स्ट्रेटन इट, इट विल बिकम अ स्ट्रेट लाइन एंड द लेंथ ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल. सो हियर आर द सम एग्जांपल्स. वी हैव टू सपोज टेक वन बॉटल एंड वी हैव टू मेजर द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस बॉटल. सो कैसे मेजर करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ वन सर्कल ऑन द पेपर, एक सर्कल बना लेंगे पेपर पे, उसका सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, सेकंड एक्टिविटी हमको करना है, मेजर द सर्कमफेरेंस ऑफ अ बैंगल विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड. अब हमको मेजरमेंट कैसा करना है? विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड. थ्रेड की मदद से हमको पहले बॉटल का सर्कमफेरेंस निकालेंगे एक थ्रेड की हेल्प से. थ्रेड को पूरा बांध देंगे, फिर वो रूलर पर रखकर वो चेक करेंगे कितने सेंटीमीटर है उसका सर्कमफ्रेंस. फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बैंगल, एक चूड़ी का सर्कमफ्रेंस निकालना है सिमिलरली विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड. फिर उसको रूलर पे रख के उसकी लेंथ कितनी है वो निकालना है, जो लेंथ होगी वो होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. मेजर द सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट यूजिंग अ थ्रेड. इस तरीके से हम किसी भी सिलेंड्रिकल चीज़ का सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं. ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय डायमीटर? सो डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द सेंटर. मीन्स दो अपोजिट पॉइंट सर्कल के अगर हम ज्वाइन करें और वो सेंटर से पास हुए, तो वो जो लाइन होती है वो होती है डायमीटर ऑफ द सर्कल. सो लेट्स सी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर. देखते हैं हम रिलेशनशिप क्या होता है सर्कमफेरेंस ऑफ डायमीटर एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल. हमको डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स लेनी है. बैंगल, यहाँ पे डिफरेंट थिंग्स है लाइक बैंगल, सर्कुलर डिस्क, लीड ऑफ द जार, इन सब का हमको सर्कमफेरेंस निकालना है. कोई भी एक हमारी बैंगल लेनी है, उसका सर्कमफेरेंस सपोज 19 सेंटीमीटर है. सर्कुलर डिश, उसका सर्कमफेरेंस निकालना है. सर्कमफेरेंस कैसे निकालेंगे? एक रोप या फिर एक थ्रेड लेंगे और उसको हम उसकी मदद से इसका सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करेंगे. फिर लीड ऑफ अ जार लेंगे, उसका सर्कमफेरेंस विद द हेल्प ऑफ थ्रेड कैलकुलेट करेंगे. अब जो भी आएगा हम यहाँ पे लिखेंगे, इन बॉक्सेस में हम फिल करेंगे. उसके बाद में डायमीटर निकालना है हमको. डायमीटर वन एंड से अनदर एंड तक के का डिस्टेंस है, ये भी हम विद द हेल्प ऑफ अ रोप फाइंड आउट करेंगे, जो सेंटर से पास होने को होना. सेंटर से इट शुड पास थ्रू द सेंटर. सो इसका डायमीटर निकला 6. सर्कुलर डिश, एक प्लेट है, प्लेट का डायमीटर जो भी निकलेगा हम सर्कुलर प्लेट का वो लिखेंगे, और लीड ऑफ जार उसका डायमीटर लिखेंगे. अब इन दोनों का जब हम रेशो निकालेंगे 19/6, इन दोनों का जो भी रेशो आएगा, x/y, इन दोनों का जो भी रेशो आएगा, तो हम ऑब्जर्व करेंगे इन दोनों का रेशो, उसको कैलकुलेट करेंगे. सो वी विल ऑब्जर्व दैट ऑल द रेशोज विल बी इक्वल टू 3.16 और 3.14. 3 पॉइंट में आएंगे सारे के सारे रेशो. इसका मीनिंग क्या है कि देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर, एंड दैट रिलेशनशिप इज देयर रेशो. देयर रेशो
that is circumference upon diameter is always constant, and that is 3.14 or 3.16. And that ratio is given a specific name called as pi, that is the Greek letter pi. Okay, ये पाई क्या है? रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल. ओके, सो सर्कमफ्रेंस इक्वल टू पाई इंटू टू, यानी हमने लिखे सर्कमफ्रेंस अपॉन डिस्टेंस डायमीटर, इन दोनों का रेशियो कितना है? पाई. सो सर्कमफ्रेंस इक्वल टू पाई इंटू डी, सी इक्वल टू पाई इंटू डी, और डी को हम लिख सकते हैं पाई इंटू टू आर. डी इज द डायमीटर, डायमीटर इक्वल टू टू इंटू रेडियस, सो सी इक्वल टू टू पाई आर. सो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? टू पाई आर और पाई डी. सो दे आर द टू फार्मूले ऑफ द सर्कमफ्रेंस, सी इक्वल टू पाई आर इन टर्म्स ऑफ रेडियस और सी इक्वल टू पाई डी इन टर्म्स ऑफ डायमीटर. डी को जब हम एक्सपांड करेंगे तो ये टू आर ही आएगा, डी इक्वल टू टू आर. ओके, सो सी इक्वल टू पाई डी एंड सी इक्वल टू टू आर द फार्मूले ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस. एग्जाम्पल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस. यहाँ पे डायमीटर गिवन है सर्कल का 14 सेंटीमीटर, हमको सर्कमफ्रेंस निकालना है. तो अब सर्कमफ्रेंस हम थ्रेड से नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालेंगे. सर्कमफ्रेंस इक्वल टू पाई डी, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है या फिर 3.14 लेनी है कॉन्स्टेंट. पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14, सो यहाँ पे 22/7 लेंगे हम इंटू 14, सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन 35 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस. अब यहाँ पर रेडियस गिवन है 35, सो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर. सो सी इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 35, सो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 220 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 198 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस एंड डायमीटर. अब यहाँ पे सर्कमफ्रेंस गिवन है सी इक्वल टू 2 पाई आर, उसमें हमने सारी वैल्यू रखी, सी 198 गिवन है, 2 पाई इक्वल टू 22/7 रखा हमने, आर एज इट इज़. इसमें से आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, आर इक्वल टू 198 इंटू 2 अपॉन में गए इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 22, दैट इज 31.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर प्लॉट इज 7.7 सेंटीमीटर. यहाँ पर रेडियस ऑफ प्लॉट गिवन है, हाउ मच विल इट कॉस्ट टू फेंस द प्लॉट विथ 3 राउंड्स ऑफ अ वायर एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर मीटर. एक प्लॉट है 7.7 मीटर का, उसको फेंसिंग करने के लिए कितना खर्चा आएगा? 3 राउंड लगाने हैं तार के, फेंसिंग करनी है, तो कितना खर्चा आएगा? इफ़ द रेट इज़ 50 रुपीज़ पर मीटर, एक मीटर को फेंस करने का कॉस्ट है 50 रुपीज़. ओके, सो सर्कमफ्रेंस ऑफ द प्लॉट पहले हम कैलकुलेट करेंगे, 2 पाई आर इक्वल 2 इंटू 22/7, आर है 7.7. सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट किए, फिर लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड फॉर 1 राउंड ऑफ द फेंसिंग, एक राउंड लेने के लिए कितना वायर लगेगा, तो वो होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सो एक राउंड लेने के लिए हमको लगा 48.4, तो एक राउंड का कॉस्ट ऑफ 1 राउंड ऑफ फेंस इज 48.8 इंटू 50 है 1 मीटर का कॉस्ट, 50 से मल्टीप्लाई किए. सो हम एक राउंड का हमने कॉस्ट फाइंड आउट किया, ऐसे हमको 3 राउंड्स लेने हैं, तो कॉस्ट ऑफ 3 राउंड्स ऑफ फेंसिंग इज 3 इंटू 2420, दैट इज 7260 रुपीज. ओके, द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ बस इज 0.7 मीटर, हाउ मेनी रोटेशंस विल अ व्हील कंप्लीट वाइल ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 22 किलोमीटर. अब यहाँ पे व्हील का रेडियस गिवन है, एक बस है, बस की व्हील का रेडियस गिवन है 0.7 मीटर. अब हमको फाइंड आउट करना है कि टोटल अगर वो 22 किलोमीटर बस ट्रैवल करती है तो उसके व्हील ने कितने रोटेशन लिए. सो एक रोटेशन कब लेगा वो व्हील, यहाँ से यहाँ तक एक रोटेशन कब लेगा, जब उसका सर्कमफ्रेंस, वन रोटेशन विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, जब उसका सर्कमफ्रेंस कंप्लीट हो जाएगा तो उसका एक रोटेशन कंप्लीट होगा. पूरी होल जर्नी में कितने रोटेशन वो व्हील के होंगे ये हमको कैलकुलेट करना है. तो पहले सर्कमफ्रेंस निकाले हमने पाई डी, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 0.7, दैट इज इक्वल टू 2.2 मीटर. ओके, व्हेन द व्हील कंप्लीट्स वन रोटेशन इट क्रॉसेस अ डिस्टेंस ऑफ 2.2 मीटर, दैट इज़ वन रोटेशन इक्वल टू वन सर्कमफ्रेंस. देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ रोटेशन,
अब टोटल नंबर ऑफ रोटेशन वो कितने लेगा, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सो टोटल डिस्टेंस है 22 किलोमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट किए तो 22,000 अपॉन सर्कमफ्रेंस निकला 2.2, दैट इज 22,000 अपॉन 2.2 दैट विल बी इक्वल टू 10,000। ओके, सो 10,000 रोटेशन विल बी कंप्लीटेड बाय द व्हील while traveling a journey of 22 km. Okay, hope you have understood this formula of the circumference. And what is the circumference? The perimeter or the outer edge, length of the outer edge of the circle is called as circumference of the circle, and its formula is pi d or 2 pi r. Okay, in the next video we will inshallah see the exercise 42. Okay, Allah Hafiz.